That's right. कितना ज्यादा टाइम हो गया नए ग्राफिक कार्ड्स को लॉन्च हुए हुए यार, मैंने एक ग्राफिक कार्ड नहीं नया लिया। चलो एक काम करते हैं, नए तो मिल नहीं रहे, काम करते हैं यूज्ड मार्केट में जाके देखते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ मिल ही जाए। एक काम करते हैं, अपने प्राइस में जो अच्छे से फिट आ जाए उसको चेक करते हैं, जैसे कि RTX 3070 टाइप्स, क्या पता कोई सेकंड हैंड बेच रहा हो, नूब सा बंदा इसको कुछ ना पता हो। भाई क्या हो गया यार ये ग्राफिक कार्ड की मार्केट को, क्या दिन हुआ करते थे यार वो, कितने अच्छे अच्छे प्राइसेस मिला करते थे यार, और अब देखो यार भाई दिल में दुख हो रहा है, भाई रोना आ रहा है यार मुझको, रोना आ रहा है। तो अभी पता है सीन क्या हो रखा है कि जैसे ही यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी वाली मार्केट थी, इवन मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूँ, मैंने गवाया भी है कमाया भी है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि जब से क्रिप्टो करेंसी वाली जो मार्केट है वो थोड़ी नीचे आई है ना, उसके बाद से ही OLX पे भाई क्या धमाकेदार डील्स आपको मिलनी शुरू हुई है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की। डील्स से आज मैं बोलूँगा कि ओवरफ्लो हो चुका है यहाँ पे, कार्ड्स आपको OLX पे जहाँ पे पहले मिल भी नहीं रहे थे ना, अब आपको एक्चुअली में वो वहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि RTX 3060, 3060 Ti, 3070, ये सारे ग्राफिक कार्ड आपको आज के टाइम पे OLX पे देखने को मिल रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव जगह पे, जहाँ पे भी आप रहते हो। इवन जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैंने वहाँ पे चेक करे हैं तो मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो कि 3060, 3070, 3080 Ti तो अभी नया नया है, सॉरी 3080, ये सारे कार्ड एक्चुअली में वहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखते थे। बट अभी सीन कुछ ऐसा है ना कि क्या ये ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में उन प्राइस पे जिन पे वो लिस्ट कर रखे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कमाने देखो सबको है, सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के पूरे मूड में चल रहे हैं। एंड इस चक्कर में आपको क्या लग रहा है कि भले क्रिप्टो करेंसी की मार्केट नीचे आ गई तो आपको क्या लग रहा है सस्ते ग्राफिक कार्ड बेचेंगे आपको माइनर्स? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो इवन नॉर्मल बंदा भी है ना जिसके पास कोई ग्राफिक कार्ड होगा, वो भी आज के टाइम पे अपना ग्राफिक कार्ड बेच के ना वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करना चाहता है, बिकॉज उनको पता है कि लोग ना पागलों की तरह वेट कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड के पीछे। मैं आपको एक सच्ची खबर बता रहा हूँ, मतलब कि खबर क्या, दो तीन दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त था, मतलब कि मरा नहीं है, मतलब कि जिंदा है, बट उसने मुझे ये इंसिडेंट बताया, उसके साथ खुद हुआ इसलिए उसने मुझे बताया, मैंने सोचा कि यार ये वीडियो सही है उसको डिस्कस करने के लिए। उस बंदे पे RX 5500 XT था ग्राफिक कार्ड ASUS का, एंड उसने उसका ऐड डाला, उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो एक नए ग्राफिक कार्ड पे अपग्रेड कर रहा था तो उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तो उसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस वाले ग्राफिक कार्ड को मैं लिस्ट करता हूँ OLX पे। एंड वो पहले से नया ग्राफिक कार्ड अपना बहुत पहले खरीद चुका था, बस उस पर ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसने सोचा कि चलो इसको बेचते हैं। उसने OLX पे लिस्ट करा, उसने वो 17,000 रुपये का खरीदा था, एंड उसने वो लिस्ट करा 22,000 रुपये का। उसके बाद भाई लिस्ट करने के बाद ना बंदे पे जो डील्स आई है ना, आप वो सुन के ना हैरान रह जाओगे। 22,000 बंदे ने डील डाली, लोगों ने एडवांस पे कर दिया उस बंदे को कि भाई ले तू पैसे, बट मेरे लिए तू स्टॉक बचा के रख, मतलब कि ये वाला जो कार्ड है मुझ पे बुक कर दे, मैं जैसी आता हूँ दिल्ली उससे लेकर जाऊँगा। उसके बाद उस बंदे ने पैसे भी ले लिए, फिर उसने उसने ना ऐड नहीं हटाई, उसने क्या करा कि उसने और दिमागदार वाला गेम खेला, उसने देखा कि मेरे पे इतने सारी इंक्वायरीज आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि भाई 2000 ऊपर ले लो बट ग्राफिक कार्ड हमें दे दो। उसने क्या करा भाई, उसने ना वो ग्राफिक कार्ड और प्राइस पे ऊपर करके और उस बंदे को उसके पैसे वापस करके दोबारा डाल दिया, अपडेट कर दिया प्राइस, एंड वहाँ पे उसने प्राइस कर दिया भाई 26,000 रुपये। और तुमको यकीन नहीं मानोगे, वो 26,000 का बिक गया। इवन जिस बंदे ने लिया है ना वो 25 में डील कर रहा था, बट उसने एक और बंदा स्टार्टिंग बाद में आया, वो माइनर था, प्रॉपर माइनर, तो उसने वो ग्राफिक कार्ड 26.5K में खरीदा उस बंदे से। तो 17K का उस बंदे ने खरीदा था, वारंटी बची थी ASUS की तरफ से, एंड दो कितने 3 साल की वारंटी थी शायद से, एंड उसको 1 साल भी नहीं हुआ था इस ग्राफिक कार्ड को लिए हुए। तो अब तुम सोच लो कि उसने 26.5K में उसको सेल करा एंड वो बिका, माइनर ने खरीदा, एंड माइनर ने ये भी बोला कि भैया अगर कोई और ग्राफिक कार्ड भी हो तो मुझसे डील करियो सीधा, मुझे बेचियो आके, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, तू किसी और को मत दे, मुझे बेच दे। तो ऐसे सीन चल रहे हैं। तो माइनर्स अभी कम नहीं हुए हैं, आपको भले ही ग्राफिक कार्ड मिलेंगे OLX पे बिकते हुए, बट वो जो प्राइसेस आपको मिल रहे हैं ना, आप खुद देख लो 3060, 3070, ये जो सारे ग्राफिक कार्ड आपको दिखेंगे ये आपको ओवर प्राइस ही तो मिल रहे हैं OLX पे। और जैसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ जितने के तो नए नए बिकते हैं उससे आपको 10,000 कम दे देंगे ये वाले, क्योंकि प्रॉफिट तो भाई देखो एट लास्ट सबको कमानी है ना। जहाँ पे ग्राफिक कार्ड पहले लेट से 20,000 का बिक रहा था, आज के टाइम पे वही ग्राफिक कार्ड लोग 30,000 का लेने को तैयार है, तो कोई क्यों नहीं 30 का बेचेगा, और खरीदने के लिए भी लोग तैयार हैं।
तो एक तो ये सीन हो गया। बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड अभी OLX पे आ चुके हैं बट उनके प्राइसेस का कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्राफिक कार्ड के जो प्राइसेस है, जो कि आपको Amazon पे, क्या बोल रहा हूँ, जो कि आपको OLX पे क्विकर पे देखने को मिलते हैं आड़े टेढ़े प्राइसेस, जैसे कि 10,000 का भाई आपको 3080 दे रहे हैं, 14,000 का, 15,000 का, वो सारे स्कैम ही होते हैं, उनमें फंसने की जरूरत नहीं है। इवन 3080 अगर आपको 20-30 का भी दे रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो वो भी स्कैम ही है, क्योंकि इतने में कोई नहीं देगा इस टाइम पे। सब लोग आपको, मैंने सबका माइंडसेट बता दिया। तो ये है मेरी वीडियो कि भाई देखो, आए जरूर है, स्टॉक जरूर है OLX पे, अब आपको बिकते हुए दिखेंगे, बट क्या उनके प्राइसेस अच्छे हैं? ना, मैं तो नहीं बोलूंगा उनके प्राइसेस अभी भी खरीदने लायक हैं। तो अगर आप लोग ले भी रहे हो ना, इन केस अगर आपको कोई अच्छी डील मिल भी जाती है, आप बंदे से डायरेक्टली मिलके लेना, मतलब कि ग्राफिक कार्ड को, एंड प्रॉपर टेस्ट करके लेना ग्राफिक कार्ड। देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज कर सकते हो अपने ग्राफिक कार्ड को देखने के लिए, चला के देख सकते हो, जैसे कि MSI कॉम्बस्टर, गेम्स को खेल को देखो, आपको पता लगेगा कि गेम के क्या क्या हाल चाल है। उसके टेम्परेचर्स पर थोड़ा ध्यान दो कि भाई टेम्परेचर्स कैसे जा रहे हैं ग्राफिक कार्ड के, एंड उससे पूछना बंदे से कि भाई तूने माइनिंग के लिए तो यूज़ नहीं करा। मुझे माइनिंग से वैसे दिक्कत नहीं है, बट मेन बात यह है कि कोई बंदा किस तरीके से माइनिंग कर रहा है वो डिपेंड करता है। एक बंदा भयंकर उसको पूरे 100-100 डिग्री पे चला रहा है तो भाई वो ग्राफिक कार्ड ओवर द टाइम जल्दी से डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, एंड उसमें आपको क्रैशेस देखने को मिलेंगे, एंड बहुत भयंकर वाला वो ग्राफिक कार्ड आपको लॉन्ग टर्म में खराब ही होता हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको एक अच्छी डील मिल जाती है, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद इट, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई डील मिल नहीं रही है, क्योंकि अगर मिलती मैं आपको डेफिनेटली बता देता। तो ये है मेरी वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि ग्राफिक कार्ड OLX पे आए हैं बट लेने लायक नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड तो अगर आपको यहाँ पे Amazon से कुछ ही परचेस करने है तो नीचे देख लिंक से बाय कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।